वाहे गुरु। साहेब जियो एक ओंकार सत नाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच कृपा करहो दीन के दाते मेरा गुण अवगुण ना विचार हो कोई माटी का क्या धोपै स्वामी मानस की गत एही सगल द्वार को छाड़ के गहे ओ तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा तू साहिब गुणी निदाना तुमरी महिमा वर्णन न सको तू ठाकुर ऊच भगवाना कहां बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी बरन सके महिमा जो तिहारी हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी परम सन्मान योग सतगुरां दी साजी और निवाजी गुरु रूप गुरु खालसा गुरु संगत जीओ आपां सरबत गुरु कीआं संगतां
पावन रात्रि वेले दे दवाना दे अंदर आद श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी दे अंदर जोड़ मिल बैठ करके अपने जीवन नू सफला करन दा जतन कर रहे हां। जिन्ना गुरसिखां दे उपर महान सतगुरु साहिबान जी दी बख्शिश मेहर हुंदी है उन्हां नू गुरबाणी दा पाठ, गुरबाणी दा कीर्तन, गुरबाणी दी जिहड़ी कथा है ਉਹ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਆਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਇਹ ਆਮ ਜੋ ਨਿਕੰਮੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਵਿਹਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਵਨ ਗੁਰਮਤ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ, ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਔਰ ਇੱਕ ਜੱਗ। ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਕਿਸਕੋ ਕਹਾ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਕਾ ਜੋ ਅਰਥ ਭਾਵ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਤਾ ਜਾਏ ਆਜ ਔਰ ਕੱਲ ਔਰ, ਉਸੇ ਸੰਸਾਰ ਕਹਿਤੇ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੈਸੇ ਹਮਾਰੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਹਮਾਰੀ ਆਯੂ ਹੈ, ਆਜ ਹਮ 20 ਬਰਸ਼ ਕੇ ਹੈਂ, ਆਨੇ ਵਾਲਾ ਜੋ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਵੋ ਹਮਾਰੀ ਉਮਰ ਕੋ ਏਕ ਦਿਨ ਔਰ ਸਰਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਕਾ ਜੋ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਕਰਤੇ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਤਾ ਜਾਏ, ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਅਰ ਬਿਰਧ ਫੁਨ, ਤੀਨ ਅਵਸਥਾ ਜਾਨ। ਜੋ ਆਦਮੀ ਬਚਪਨ ਮੇਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸੇ ਹਮ ਏਕ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮੇਂ ਸੋਚਤੇ ਹੈਂ, ਜੋ ਬਚਪਨ ਮੇਂ ਹੈ ਵੋ ਸੋਚਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਜਵਾਨ ਹੋਂਗੇ ਤਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪੇਂਗੇ। ਜੋ ਜਵਾਨ ਹੈ ਵੋ ਸੋਚਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਹਮ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਂਗੇ ਤਬ ਨਾਮ ਜਪੇਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਤਾ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਕਾ ਜੋ ਸਮੇਂ ਹੈ ਵੋ ਸੋਚਨੇ ਔਰ ਵਿਚਾਰਨੇ ਮੇਂ ਚਲਾ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਵੋ ਕੈਸੇ ਕਿ ਆਦਮੀ ਕੀ ਅਗਰ ਉਮਰ 100 ਵਰਸ਼ ਹੋ। ਇਸ ਬਾਤ ਕੋ ਸਮਝਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਹਮ ਏਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਤੇ ਹੈਂ। ਮਾਨ ਲੀਜੀਏ ਕਿ ਹਮਾਰੀ ਉਮਰ 100 ਵਰਸ਼ ਹੈ। 100 ਵਰਸ਼ ਮੇਂ 25 ਜੋ ਸਾਲ ਹੈ ਵੋ ਹਮਾਰੇ ਸੋਏ ਹੋਏ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਤੇ ਹੈ। ਜੋ ਪਹਿਲੇ 15 ਸਾਲ ਹੈ ਵੋ ਖੇਲਣੇ ਮੇਂ, ਕੂਦਨੇ ਮੇਂ,
संसार को समझने में बीत जाते हैं और उसके आगे जब एक व्यक्ति शादीशुदा होता है तो उसकी जो ज़िंदगी है वो करीब करीब पहले जो 20 साल हैं बच्चों की परवरिश करने में, उनको उनकी जो पढ़ाई है उसको करवाने में बीत जाते हैं। उसके बाद की जो उम्र है वो बीमारी में चली जाती है और करीब करीब जो 5 साल हैं वो आदमी के खाने में और स्नान करने में बीत जाते हैं। बहुत कम आयु बचती है नाम जपने के लिए, इसलिए पावन गुरबाणी में ऐसे वचन आते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आधी हूँ ते आद भगतन सेती गोष्टे जो कीनो सो लाभ। इसका क्या अर्थ है? एक घड़ी, एक जो घड़ी होती है वो 24 मिनटों की होती है, एक घड़ी आधी घड़ी उसका आधा कर लो 12 मिनट, आधी हूँ ते आद 12 से बाद जो उसका आधा कर लो 6 मिनट, 6 का और आधा कर लो 3 मिनट। गुरु का वाक है भक्त कबीर साहिब जी का, उसके आगे वचन करते हैं कि भक्तन सेती गोष्टे जो किन्नो सो लाभ। जितना समय हम साधु महात्माओं की संगत करने में, नाम जपने में, क्योंकि गुरबाणी का वाक है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है तो आप इतना समय तो ज़रूर वाहेगुरु का नाम लें। एक बार श्री गुरु नानक देव महाराज जी के पास किसी ने एक सवाल किया, प्रश्न किया कि आप कौन हैं। जैसे हमें कोई पूछता है तो हम बताते हैं कि हम फलाने खानदान से हैं, हमारे पिताजी का ये नाम है, हम बहुत अमीर कारोबार वाले हैं, अपनी पदवियों का नाम लेते हैं। लेकिन जब किसी अनजान व्यक्ति ने श्री गुरु नानक देव महाराज जी से ऐसा पूछा कि आप कौन हो, तब उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं एक पटवारी का लड़का हूँ, ये नहीं बताया कि मैं परमेश्वर वाहेगुरु का रूप हूँ। उन्होंने क्या जवाब दिया? हम आदमी हाँ एक दमी, हम एक दम के एक श्वास के आदमी हैं, हम और कुछ नहीं हैं। हमने आपने अपनी ज़िंदगी में देखा है कितने हमारे दादा दादी नाना नानी इस संसार से चले गए हैं। जैसे सुबह भी वचन आए थे कि एक बार भक्त कबीर साहब से कोई मिलने आया, उन्होंने नगर में आकर के पूछा कि हमने भक्त कबीर साहब से मुलाकात करनी है, उनका पता बताएं। तो उस पता बताने वाले व्यक्ति ने कहा कि जो भक्त कबीर साहब जी हैं वो शमशान घाट गए हैं, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, वो आपको वहाँ मिलेंगे। तो वो जो मिलने आया व्यक्ति था उसने पूछा कि कोई निशानी तो बताओ, मुझे तो उनका जो चेहरा है वो मैं नहीं जानता। तो उस पता बताने वाले व्यक्ति ने कहा कि उनकी निशानी ये है कि उनके शीश पर एक मुकुट होगा, एक छत्र होगा,
उनके शीश पर एक जो मुकुट झूल रहा होगा, ऐसी उनकी निशानी है। तो वो जो मिलने आया व्यक्ति, वो भक्त कबीर साहिब से मिलने के लिए शमशान घाट गया। वहाँ जाकर क्या देखता है कि जितने भी वहाँ व्यक्ति हैं, मौजूद हैं, उनके सभी के शीश पर वो मुकुट झूल रहा है। वो मिलने आया व्यक्ति बहुत हैरान हुआ कि ये कैसा कौतुक है, इनमें से कैसे पहचान आए कि कौन भक्त कबीर साहिब हैं। आस्ते आस्ते समा बीता, उस मरे हुए व्यक्ति का संस्कार हुआ। सभी आदमी अपने अपने घर जाने के लिए तैयार हुए। तब उस मिलने आए व्यक्ति ने देखा कि सिर्फ एक व्यक्ति के सिर पर वो मुकुट था, बाकी के गायब हो चुके थे। तो भक्त, वो मिलने आए व्यक्ति ने भक्त कबीर साहिब से मुलाकात की और पूछा कि ये कैसा कौतुक है, जब मैं इस शमशान घाट में आया था तो तब सभी के शीश पर मुकुट था, अब जब संस्कार हो चुका है, सभी आदमी अपने घर जाने के लिए तैयार हैं, तो वो मुकुट कहाँ गायब हो गया। तो भक्त जी कहने लगे कि वो जो मुकुट था, वो था मौत के डर का। हम हमेशा मौत को याद रखते हैं। वो जो बाकी के व्यक्ति इस शमशान घाट में आए थे, उनको उतनी देर मौत याद थी जितना देर वो संस्कार होता देख रहे थे। बाद में सभी को भूल गया, मैं ना मरो मरबो संसारा, कि मैंने कहाँ मरना है, संसार मरेगा। इसलिए गुरबाणी का वाक है, जो उपजियो सो बिनस है। जो भी इस संसार में जन्म लेकर आया है, उसको एक ना एक दिन जहाँ से जाना ही पड़ेगा। भला इसमें है कि इस जीवन से हम जो गुरबाणी याद करने की, नाम जपने की जो रीति है, उस पर अमल करके अपना जीवन सफल कर सकते हैं। सो पहला अर्थ जो विद्वान पुरुष संसार का करते हैं, वो है जो सरकता जाए, पहले जन्म, फिर बचपन, फिर किशोर अवस्था, फिर नौजवान, फिर बुढ़ेपा, फिर मौत, उसका नाम है संसार। दूसरा, इस संसार का शब्द का जो अर्थ विद्वान पुरुष करते हैं, जो संशयों से भरा हुआ हो, जिसमें संशय ही संशय हों। जैसे हम सुबह उठते हैं, जैसे पावन गुरबाणी का वाक है कि हार परयो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका। हम जब गुरु दरबार में आकर कई प्रकार की वस्तुओं की मांग करते हैं, कोई अरदास करवाता है पुत्र प्राप्ति की, कोई सुख के लिए अरदास करवाता है, कोई अपने कारोबार में सफलता के लिए अरदास करवाता है, लेकिन गुरबाणी का वाक है कि एक और अरदास करनी है। वो कौन सी है कि गुरु साहिबान को अपना समर्पण करके ये बात आखनी है कि हार परयो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका। हमें जो विवेक बुद्धि है, विवेक का क्या अर्थ होता है कि जो दो प्रकार की विचारों को मिटाकर एक विचार को धारण करना। वो कैसी विचारें? हमारा जो मन है, वो हमेशा दो प्रकार की विचारों में उलझा रहता है। वो कैसे?
कभी हमारा मन करता है कि जो अमृत है वो शका जाए, कभी हमारा मन करता है कि शकने का क्या फ़ायदा है, संसार की जो खाने पीने की, शराब पीने की, मीट खाने की आदत छोड़नी पड़ेगी, फिर हमारा मन गिरावट में आ जाता है। कभी सोचता है कि जो वाहेगुरु की दात केस हैं उसको रखा जाए, फिर कभी मन सोचता है कि जो रिश्तेदार हैं वो क्या कहेंगे। लेकिन आप हमेशा याद रखिए कि जो हमारे कर्मों का लेखा जोखा है वो हमने देना है, क्योंकि गुरबाणी का वाक है, अंत नबेरा तेरे जीव पहलीजै। जो अंत के समय जो लेखा जोखा है वो आपके सूक्ष्म शरीर से लिया जाएगा। सो इसलिए रिश्तेदार क्या कहते हैं, दोस्त मित्र क्या कहते हैं, उनको छोड़िए एक साइड में। हम वो काम करें जो गुरु साहिब आदेश करते हैं। सो इसलिए ये जो महावाकी हम विचार कर रहे हैं कि दीजय बुद्ध विवेका, ये जो दो विचारों वाला मन है इसको त्यागने के लिए गुरु साहिबान से हमने मांग को मांगना है, अरदास करनी है कि हमें जो विवेक बुद्धि है, हमारा जो मन है वो दो प्रकार की विचारों में उलझा हुआ ही जीवन व्यतीत ना हो जाए। हमें एक विचार और गुरबाणी का जो सिद्धांत है वो पहले अंक से ही सिद्ध हो जाता है। जब गुरबाणी की शुरुआत होती है तो पहला जो अंक है वो एक है, उस एक में ही सारी गुरबाणी का जो फलसफा है, सिद्धांत है, वो समाया हुआ है। क्योंकि पावन गुरबाणी का वाक है, साहिब मेरा इको है, इको है भाई, इको है। हम गुरसिक्खी को धारण करने वाले लोग, गुरसिख एक वाहेगुरु के उपासक हैं, और जो वाहेगुरु ने हमारे शरीर की साजना की है उसमें किसी भी प्रकार का जो फालतू अंग है वो वाहेगुरु ने नहीं लगाया। उसी प्रकार जो केस हैं ये भी वाहेगुरु की पवित्र दात है। सो इस प्रकार जो विवेक बुद्धि का दान है हमने वो संसार को छोड़ते हुए गुरु से मांगना है। जे दूसरा अर्थ है संसार का, जो संशयों से भरा हुआ हो, इसका समाधान एक ही है, वो है विवेक बुद्धि की प्राप्ति। आगे जो शब्द है दुनिया, दुनिया का क्या अर्थ होता है, दो निया, जैसे हम मकान बनाते हैं तो उसकी नींव होती है, उसी प्रकार ये जो संसार है इसकी भी दो नींहें हैं। वो कौन सी हैं, एक जन्म और एक मरण। जैसे जिसका भी इस संसार में जन्म हुआ है उसकी एक ना एक दिन मौत जरूर होनी है, ये दुनिया की एक अटल सच्चाई है। और तीसरा जो शब्द हमने इस संसार के लिए वर्ता है वो है जग। जग का अर्थ, जिसको हम हिंदी में जगत बोलते हैं, इसका अर्थ विद्वान पुरुष करते हैं, जा का अर्थ करते हैं जो पैदा हुआ, और गत का अर्थ करते हैं जिसका नाश हो। जितना भी हम इस संसार में अपनी आँखों से वस्तुओं को देख रहे हैं, क्योंकि जैसे तीन प्रकार की वस्तुएं होती हैं,
एक सत्य वस्तु, एक झूठी वस्तु और एक मिथ्या वस्तु, जो तीनों कालों में विराजमान रहे, पिछले समय में बीते हुए, अतीत में, वर्तमान में और आने वाले समय में जो सत्य रहे, जो हमेशा कायम रहे, उसे सत्य वस्तु कहा जाता है। वो है एक अकाल पुरख वाहिगुरु, आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। और दूसरा होती है झूठी वस्तु। झूठी वस्तु का अर्थ होता है जो तीनों कालों में कभी पैदा ही ना हुई हो। जैसे हम जब परिवार मिलकर बैठते हैं या दोस्त बैठते हैं, तो कभी कभार ऐसा हम सुनते हैं या कहते हैं कि क्यों आप झूठ बोल रहे हो, ऐसी बात तो हुई नहीं। इसका मतलब ये है कि जो कभी भी बात ना हुई हो, ना पीछे हुई हो, ना अब है, ना आगे होगी, उसको झूठ वस्तु कहा जाता है। और तीसरी होती है मिथ्या। मिथ्या का क्या अर्थ है? मिथ्या का अर्थ होता है जो सामने दिस भी रही हो और रहने वाली ना हो, उसे मिथ्या वस्तु कहा जाता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं कि जब गर्मियों के दिनों में हम सड़क पर सफ़र करते हैं, तो हम देखते हैं कि सूरज की जो किरणें हैं जब सड़क पर पड़ती हैं, उस समय उस किरणों से जो सड़क है वो दूर से देखने से चमकती है, लेकिन जब नज़दीक जाते हैं, दूर से देखने में ऐसा लगता है कि दूर पानी है, लेकिन जब नज़दीक जाते हैं तो वहाँ पानी होता ही नहीं। उसको कहा जाता है मिथ्या, जो दिखाई भी दे और रहने वाली ना हो, उसको मिथ्या कहा जाता है। जैसे है संसार, क्योंकि जो सपना है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है बंद आँख का सपना, जो हम सोए हुए देखते हैं। एक होता है खुली हुई आँख का सपना, जो हम इस खुली हुई आँखों से इस संसार को देख रहे हैं। ये जो संसार है, जैसे एक गाड़ी या घोड़ा हम खरीदते हैं, उसका मतलब होता है कि हम इसे सफ़र करने में हमें आसानी हो। उसी प्रकार ये जो हमें शरीर प्राप्त हुआ है, ये एक साधन है, ये हमेशा रहने वाला नहीं है। इसलिए सियानप समझदारी इसी बात में है कि मौत आने से पहले पहले जो ज्ञान की प्राप्ति है, गुरु की जो शरण है, वो प्राप्त हो जाए, इससे बड़ी कोई भी प्राप्ति नहीं है। नहीं तो जो संसार की एक अटल सच्चाई है, उसका नाम है मौत। सो इसलिए गुरु साहिबान हम सभी पर कृपा दृष्टि करें, हमें गुरबाणी की जो सूझबूझ है वो हमारे दिमाग में, हमारी बुद्धि में प्रवेश करे। हम गुरु के वचनों को जहाँ सुनते हैं, उनको धारण करने की जो क्षमता है वो हमारे दिमाग में आ सके। गुरु साहिबान हम सभी पर कृपा करें, हमारा जो जीवन है वो सभी प्रकार की गतिविधियों में बीतता हुआ सफल हो जाए। और सफल होने का एक ही तरीका है, एक ही विधि है,
वो है गुरु शब्द की प्राप्ति, क्योंकि गुरसिखों का शब्द के बिना, गुरबाणी के बिना और कोई सहारा नहीं है और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए हम शब्द के पुजारी बने, शब्द के साथ अपनी बिरती को जोड़ें और अधिक से अधिक जो पंजाबी है उसको सीखें, उसको बोलें। जैसे एक बात मेरे मन में कई दिनों से थी, वो यहाँ आकर मुझे पता चली कि जैसे हम पंजाब में रहते हैं तो पंजाब में हम देखते हैं कि जो दुकानों के नाम हैं, किसी भी स्टोरों के जो नाम हैं, वो इंग्लिश में लिखे हुए हैं। आप जहाँ रहते हैं आपने भी इस बात को नोटिस किया होगा कि जो रस्तों के नाम हैं, दुकानों के नाम हैं, वो अधिकतर हिंदी में या शायद मराठी में लिखे हुए हैं। ये एक अचंभित करने वाली बात मुझे लगी कि ये जो पूना शहर है, ये चाहे अपने आप में बड़ा विशाल है, एजुकेटेड है, लेकिन उसके बाद भी देखो इन लोगों ने अपनी जो बोली है उससे घृणा नहीं की। लेकिन पंजाब में तो ऐसा माहौल है और जहाँ भी है कि हम पंजाबी बोलने में अपनी हानि महसूस करते हैं। हम जब कोई बसों में या ट्रेन में सफ़र करते हैं तब अगर कोई पंजाबी बोल रहा हो तो उसको कहा जाता है कि जे अनपढ़ है, इसको कोई जे कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं है। इसलिए जे जो हमारी मानसिकता है जो गिरावट की ओर जा रही है, इसको भी संभालने की बहुत आवश्यकता है। गुरु कृपा करें आप सभी गुरसिख जो अधिक से अधिक पंजाबी सीखने का, पंजाबी बोलने का, पंजाबी लिखने का जो यत्न है वो जरूर करें। हुइयों बेअंत भूलों की आप संगत, सतगुरु साहबान जी बख्शने जोग हैं बख्श लेना। सो यहाँ ही आज की कथा की जो समाप्ति है, आगे जो अरदास है वो करके हम भूलों की क्षमा मांगेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।